हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके? इंडियन बॉय लॉस्ट इन नेपाल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ये पता नहीं मैंने क्या किया था, बस कर दिया, कहीं देख ली होगी वीडियो, ऐसे कर दिया होगा और क्या। तो आज हमने जिस पे वीडियो देखनी है, सबसे पहले यार मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, साथ में घर बढ़ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी कारण डुम 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 ऐसे कुछ वो नहीं करते हम दीवार पे, ऐसे वो तीखा सा होता है, क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे तो मेख कहते हैं, ऐसे करके ठा 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 ऐसे करके दीवारों पे लगे पड़े हैं। और क्या करें यार, ऐसे हो जाता है, अभी ऐसे खड़का धड़का होता रहता है, तो इसको इग्नोर करते हुए हम रिएक्शन बनाते हैं। सो सॉरी गाइस, अगर आपको थोड़ा मतलब टेंशन हो, मतलब खड़का वगैरह आवाज़ वगैरह आए, ठीक है। तो देखते हैं, सृजाना घिमरे कहती हैं, प्लीज़ रिएक्ट ऑन नकली कनकी नकली कनकी सॉन्ग बाय शान, प्लीज़ रिएक्ट, प्लीज़। शान क्या ये इंडिया वाला शान है? चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी, वो वाला शान है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, बाकी हमें पता चल ही जाएगा, देख लेंगे वीडियो, फिर पता चला जाएगा सारा कुछ। तो देखते हैं इस वीडियो को, और ये 2 वीक पहले ही आया है सॉन्ग, तो मेक श्योर गाइस आप सपोर्ट करें ओरिजिनल वीडियो को। हाँ, हम चलो देखते हैं रिएक्शन, बाद में करेंगे बातें। यस, सो गाइस 1 2 3 और कर देते हैं इस वीडियो को प्ले। ताऊवा का मतलब बुटानी दुख दुख की प्रोडक्शन, दुख दुखी यार, इसे क्या कहते हैं जो ऐसे बांध के नहीं लेके जाते ऐसे, मैं भी खरीद के लेके आऊंगा, फिर जिम जाया करूंगा मैं, ऐसे अपने कच्छे वगैरह पहन के। मन को कुरा खोले बोलना, यो माया मत यो माया घोलना, मन को कुरा खोले बोलना, यो माया मत यो माया घोलना, चौरी कोठै मा चौरी कोठै मा नक्कली कांची को लाली उठै मा, नक्कली कांची को लाली उठै मा, कपाल बाटी चिट्टी कई परे रा, आउन भेट नतियो खोली तरे रा, लपसी बोटाई मा, नकली कांची को लाली उठाई मा, नकली कांची को लाली उठाई मा। ये वो स्टेप, ओहो देखे स्कूटर बन गए थे यार। झुमके फुली शिरु बंदी शिरे मा, बैशा फुला के बच्चे पीरे मा, झुमके फुली शिरु बंदी शिरे मा, बैशा फुला के बच्चे पीरे मा, चारी कोटाई मा चारी कोटाई मा, नकली कांची को लाली उठाई मा, नकली कांची को लाली उठाई मा। माता
छन्दो भरि ल्याउने छुर भरो दिलमा सजाई राखौला एकाली छन्दो भरि ल्याउने छु यस पाली दिलमा सजाई राखौला एकाली तुलसी मोठैमा तुलसी मोठैमा नक्कले कान्छीको लाली उठैमा नक्कले कान्छीको लाली उठैमा कपाल बाटी चिट्टी कै परेर आउन भेट्न थियो खोली तरेर लप्सी बोटैमा नक्कले कान्छीको लाली उठैमा नक्कले कान्छीको लाली उठैमा नक्कले कान्छीको लाली उठैमा नक्कले कान्छीको लाली उठैमा यार प्यार हो तो ऐसा हो न वरना तो ना हो। राकेश काफले जो कि नेपाल के बहुत लोकप्रिय गीतकार रहे हैं, अचानक उनके देहांत के बाद जैसे कि खालीपन हो गया है नेपाली म्यूजिक में, नेपाली संगीत में, नेपाली साहित्य में। हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। मैंने उनके लिए कभी गाना नहीं गाया और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अब जो उनके लिए मैंने गाना गाया है वो उनके जाने के बाद है, लेकिन उनका जो भी अधूरा सपना था इस फिल्म को लेकर, इस गीत को लेकर, वो ज़रूर पूरा हो और इस अधूरे सपने को। तो गाइस इस वीडियो का सबसे पहले बता दूँ, शान वही हैं इंडिया वाले, उन्होंने कहा जिन्होंने ये मतलब गाना बनाना था वो चलो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं है, पर उनका जो पूरा करना था ना सॉरी गाइस, तो शान जी ने गाया बहुत अच्छे से और इतने अच्छे मतलब नेपाली गाया गाना गाया यार, इतनी मतलब सुरीली आवाज़ है उनकी। आजकल इंडिया गाने भी नहीं गा रहे और नेपाली जब आए वापस तो सरप्राइज़ लेके आए हमारा नेपाली सॉन्ग के अंदर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यार नेपाली सॉन्ग मुझे सुन के ही ना ऐसे ऐसे हो जाता है। और एक ना हमारे यहाँ पे शॉप है, वहाँ मैं बर्गर खाने गया, वहाँ पे हमारे नेपाली भाई बहुत सारे हैं और उनका मालिक भी नेपाली भाई है, तो उन्होंने गाना लगाया हुआ था कोई मैलिना राय ने, मैंने कहा मैलिना राय, वो भी ऐसे देखा कि तुम्हें कैसे पता मैलिना राय के बारे में, मैंने कहा भाई मेरा ये चैनल है ऐसे करके हुआ, तो भाई साहब तो कहते हैं अच्छा मैं सब्सक्राइब करूँगा, मुझे बताओ चैनल, मैंने चैनल बताया और उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई यार। मैंने उनको कहा था कि वीडियो में आते हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे मैं नहीं बता सकता लोकेशन वगैरह ऐसे, प्लीज़ समझे ऐसे कुछ करके उन्होंने कहा। शायद अगर आप देख रहे हो भाई वीडियो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पक्का कमेंट करना, ताकि लोगों को भी पता लगे कि आप कौन हो। और कई नेपाल के लोग यहाँ पे आते हैं और कई जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो आपको पता होगा तो सारा कुछ बताना कमेंट सेक्शन में, बाकी आपकी मर्जी। तो यार कार्टून्स क्रियो सीनियर वाले जो दो ये कपल है ना, मुझे नहीं पता ये फ्रेंड है या कपल है, पर मैं तो कपल ही कहूँगा, क्योंकि यार एक तो चलो होती है एक्टिंग कि कपलों वाली एक्टिंग करते हैं कि हाँ ये, पर एक ना आँखों में चमक सी होती है, जब वो चमक तभी आती है या तो अपनी माँ को देख रहा हो वो वाला प्यार होता है, या फिर आता है कि प्यार जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार होता है वो वाली चमक आती है आँखों में, आँखों की नमकीन मस्तियाँ नहीं माफ़ करूँगा मैं, वो वाली चमक आती है। तो ये जो हैं लड़की वो माँ तो नहीं हो सकते इनके ऑफकोर्स, तो गर्लफ्रेंड नहीं होगी मेरे हिसाब से। सो प्लीज़ आप क्या सोचते हो और प्लीज़ सारा कुछ कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत ही अच्छा सॉन्ग था यार, इतना मतलब निभाया उन्होंने और सॉन्ग भी बहुत ही अच्छा था यार, मेरी रूह खुश हो जाती है जब भी मैं नेपाल के सॉन्ग सुनता हूँ। और अब मुझे अच्छा लगता है कि मैं अकेला नहीं सुन रहा, आप भी मेरे साथ और 10,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हम सारे YouTube फैमिली हैं, ग्रो हो रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि मैं इतने टाइम पहले से सॉन्ग देखता था नेपाल के, इतने अच्छे लगते हैं कि अगर मैंने तब शुरू किया होता चैनल तो आज हम कहाँ से कहाँ होते, आपसे मिलते और स्ट्रॉन्ग भी होते, मतलब हर जगह से स्ट्रांग होते, तो आपसे वहाँ भी मतलब ले के मतलब घर ले के वहीं रह जाते भाई साहब। ओहो अब यहाँ भी हो, मैं भूल गया था तो अंदर से फीलिंग आ जाती है बाहर भाई साहब, तो ऐसे समझ लिया करें आप, समझ रहे हो तो गाइस कोई बात नहीं, हम जल्दी से जल्दी वहाँ आने की कोशिश करेंगे। और मेरा एक दोस्त गया था फ्लाइट के ज़रिए, उन्होंने कहा कि फ़्लाइट में जाते हैं कोई चक्कर नहीं, और असल में बात यह है कि वो नाक में ऐसे मारेंगे यहाँ तक मेरे दर्द होगा और फिर बाद में ऐसे मारेंगे। एक तो ये
देखना तो पड़ेगा, पर कभी ना कभी तो कराना होगा ही, नहीं तो दूसरी बात यह है कि मुझे जल्दी से जुकाम वगैरह हो जाता है अगर मैं कॉफ़ी ना पीऊँ। कॉफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती वैसे, पर कॉफ़ी पीनी पड़ेगी क्योंकि वो नहीं तो ऐसे करता रहता हूँ तो बाद में वो कोरोना वाले कहेंगे, मतलब चलो नाम नहीं लेना था, जो वो वायरस वाले कहेंगे कि आजा आजा तेरा टेस्ट करें भाई भाई दर्द होगा, पर कोई बात नहीं, हमने नेपाल आना है जल्दी जल्दी से जल्दी। और हाँ, वैक्सीन का क्या चक्कर है नेपाल में वो भी बताएं कि लगनी शुरू हो गई है या नहीं, तो हम भी यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे, दिल में भी टीके लगवाएंगे हम दर्द होगा यार। तो कोई बात नहीं यार, और शौक की बात करनी थी, हम अपनी बातें लेके बैठ जाते हैं हमेशा, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं माफ़ी, और माफ़ी के साथ काफ़ी। और प्लीज़ आप बताएं बेस्ट मोमोज वाली दुकान, रेस्टोरेंट नहीं स्ट्रीट फूड खाएंगे हम, पैसे बचाने हैं भाई साहब। और अच्छा, जो लोकल वाला असली मज़ा होता है ना वो स्ट्रीट फूड में होता है। लोग कह तो देते हैं ये गंदा होता है ऐसे नहीं, पर असली जो लोकल टेस्ट होगा वो स्ट्रीट फूड में होगा। तो मेक श्योर आप भी स्ट्रीट फूड बताएं, हमें पता चले कि कौन से एरिए में कहाँ पे मिलेगा। तो आप बताएं काठमांडू में ही पोखरा भी, ये दोनों सिटी हमने करनी है, मतलब कवर करनी है, कितनी दूर दूर डिफरेंस एंड का वो भी बताएं। वैसे तो मैं गूगल में देख सकता हूँ, पर आप बताएं बस में जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। मैं गरीब हूँ, मैं ऐसे ही आऊँगा बस में आऊँगा मैं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ मिल लूँगा, बस ऐसे कहना पड़ेगा ना मुझे क्योंकि गरीब हूँ।